स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं थंडर वर्सेस नॉर्दर्न डायमंड्स T20 मैच रिव्यू, जो खेला जाएगा रॉकवुड सेल पे। मैच टाइमिंग रहेगी शाम 6 बजे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे सबसे पहले नोट करना है, इस श्रेणी के ऊपर आज तक कभी भी कोई भी T20 का मैच नहीं खेला गया है। ऐतिहासिक मैच है, पहली बार इस श्रेणी के ऊपर कोई T20 का मैच खेला जाएगा सेल के ऊपर, ठीक है, रॉकवुड वेन्यू के ऊपर। अब देखो इस श्रेणी के ऊपर अपन पिच रिपोर्ट को समझेंगे कैसे। इस श्रेणी के ऊपर ना एक ODD मैच हुआ था, जो हुआ था लास्ट ईयर 10 सितंबर 2021 को, जो मैच था थंडर वर्सेस सदर्न वाइपर्स के बीच में। तो अब देखो उस मैच के अंदर ना अपन ने कुछ चीज़ें सीखी थी, वो आपको बताऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट नोट करना है, जो वेन्यू ना रॉकवुड सेल, ये होम ग्राउंड है किसका, ये दोस्तों थंडर्स होम ग्राउंड है, जो टीम है ना थंडर, इसका होम ग्राउंड है, चीज़ आपको ध्यान देनी है। और दोनों टीम्स ने सोनी के ऊपर आज तक कभी नहीं खेला किसी भी टीम ने। अब देखो जो यहाँ पर ODD मैच हुआ था उसके अंदर जो टीम चेस करी थी वो जीती थी, औसतन स्कोर 120-160 आपको बनता दिखेगा। अब देखो उस लास्ट मैच में क्या होता है, पेसर्स ने 11 विकेट निकाले थे उस मैच में। पहली पारी में 9 विकेट था, दूसरी पारी के अंदर 2 विकेट था, राइट आर्म पेसर का 7 विकेट था, लेफ्ट आर्म पेसर का 4 विकेट था। पहली पारी के अंदर तारा नॉरिस ने, जो अभी USA के लिए खेल रही है, उसने 4 विकेट हॉल निकाला था। स्पिनर्स की बात करते हैं तो लास्ट 6 मैच के अंदर स्पिनर्स का यहाँ पर क्या था, 6 विकेट था, पहली पारी में 1, दूसरी पारी के अंदर 5, ऑफ स्पिनर्स के 2, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 4 विकेट था, ठीक है, चीज़ आपको ध्यान देनी है। प्लस दोस्तों मेरे को एक और आपको फैक्टर बताना है, वेदर फोकास्ट की भी बात करेंगे यहाँ पे, तो सनी वेदर फोकास्ट यहाँ पे रहेगा, ये आप खुद देख सकते हो। ये मैच वहाँ पे 1:30 बजे स्टार्ट होगा UK के अंदर, सेल के अंदर, वहीं अपने आप पे तो 6 बज रहा रहेगा। तो आप देखो वहाँ पे कैसे वेदर फोकास्ट है, 1 बजे तो हल्का सा मोस्टली क्लाउडी है, फिर 2-3 बजे क्लाउडी वेदर आ जाएंगे, बारिश के चांसेस लगभग ना के बराबर है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने दोस्तों एक वेबसाइट पर जानी है, कौन सी वेबसाइट पर मैं आपको बताऊँगा लाइव, ये देखो मैं आपको लिख देता हूँ liveliv.nplay आपको लिखना है, इस तरह से देखो दिख रहा है आपको ये वाली वेबसाइट पे nplay.com/UCB, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो ना इस वेबसाइट पे, तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, आपको रिजल्ट्स पे जाना है। आप जैसे रिजल्ट्स पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको फिल्टर कॉम्पिटिशन करना है, ये तो आपको आपको यहाँ डालना है रीजनल अकेडमी फ्रेंडली, ठीक है, ये फ्रेंडली इस करके एक ये है, फिल्टर कर देना आपने। आपने थोड़ा नीचे नीचे आना है, तब यहाँ पे देखो स्वेनी के स्टेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 प्रैक्टिस मैच हुए थे 10 मई को, ठीक है, सेल CC, मतलब ये दोस्तों वेन्यू का नाम है सेल CC सेल, ठीक है। तो स्वेनी के ऊपर 2 प्रैक्टिस मैच हुए थे, अब वो दोनों के आप स्टैट देख सकते हो, क्योंकि ये बॉलर्स है ना जो बहुत ही कम खेले कहीं पे, तो इनका रोल पता नहीं चला कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, इसलिए मैं दोस्तों पहले निकाला तो था नहीं कि पिच रिपोर्ट, लेकिन फिर मैंने हटा दिया। अब देखो इस स्वेनी के ऊपर स्क्वाड से कौन कौन खेला है, SS Small 109 बनाई थी यहाँ पे, जो भी स्क्वाड के अंदर है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे कि लाइटनिंग्स की यहाँ पे देखो उसमें अभी फिलहाल तो स्क्वाड में देखो कोई बॉलर नहीं है यहाँ पर, इसलिए दोस्तों मैं स्टैट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था। फिर देखो एक मैच यहाँ पे हुआ, इसके अंदर आप देखेंगे थंडर की तरफ से स्मॉल ने यहाँ पे 35 करा, वो विकेट कीपर बैटर हैं। फिर यहाँ पे आप देखो बॉलिंग से S Morris, लेकिन S Morris स्क्वाड के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे 2 मैच हुए थे 10 मई को, पहला जो मैच हुआ उसके अंदर 165 बनाए थंडर ने बैट फर्स्ट करा, फिर 146 बनाए टीम 19 रन से जीती। दूसरा प्रैक्टिस मैच 14 ओवर का हुआ था, लाइटनिंग ने 60 बनाए, ये लोगों ने 7 ओवर के अंदर 64 रन बना के चेस कर लिया टारगेट को। कितने ओवर रहते, 6 ओवर रहते हुए, तो बहुत बढ़िया पिच है, रन्स बनेंगे स्वनी के ऊपर जिससे मुझे लग रहा है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। न्यूज़ की बात करते हैं, सोफिया एक्लेस्टोन कैट क्रॉस डाउटफुल है, कैट क्रॉस शायद खेले ना खेले कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि वुमन चैलेंजर लीग आ रही है जो IPL होता है ना वुमन्स का, ऐसे तरह का छोटा सा टूर्नामेंट है वैसा होगा। नॉर्दर्न डायमंड्स की बात करते हैं तो नेट सीवियर कैथरीन ब्रेंट डाउटफुल है, पर इस मैच में हाई चांसेस आपको खेलती हुई दिखेंगी, क्यों, इन्होंने स्क्वाड को तो ज्वाइन कर लिया है नेट सीवियर और कैथरीन ब्रेंट ने। सैरा कैलिस ये मैच खेल सकती हैं, देखते हैं क्या होता है। स्क्वाड दोस्तों दोनों टीम्स ने अभी तक डिक्लेयर नहीं करा है। लाइनअप्स की बात करते हैं, हिम्बा लैम्ब यहाँ पे ओपन करेंगी जॉर्जिया बॉयज के साथ, वाइस कैप्टन है डैनी कॉलिन्स आएंगे यहाँ पे, लेफ्टी बैटर है, एलिका ट्रिकल आएंगे राइटी बैटर, कैप्टनसी विकेट कीपर बैटर है, साची पाई राइटी बैटर है, कैट क्रॉस राइटी बैटर राइटम फास्ट मीडियम है, लॉरा जैक्सन यहाँ पर राइटम मीडियम, पॉबी ग्राम राइटम मीडियम, सोफिया टर्नर राइटम मीडियम, हैनन जोन्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, एलेक्स हार्टली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। प्रमुख गेंदबाज 4
प्रमुख गेंदबाजी टीम के हैं इमा लैम, कैट क्रॉस, एनन जोन्स, एलेक्स हार्टली। बात करेंगे यहाँ पे किसकी, नॉर्दर्न डायमंड्स की। लॉरेन विलफील्ड ओपन करेंगे, विकेट कीपर राइट ही बैटर है। एबी ग्लेन है यहाँ पे राइट ही बैटर, राइट आर्म मीडियम है। फिर आपको दिखेंगे यहाँ पे हॉली एमटैच, बहुत अच्छी प्लेयर हैं, एर्मी एज बोल लें इनको, राइट ही बैटर, लेग स्पिनर, कैप्टन से करेंगे। फॉबिया टर्नर है राइट ही बैटर, राइट आर्म मीडियम है। लक कैस्ब्रिग राइट ही बैटर, ऑफ स्पिनर है, ओवरसीज प्लेयर है, कहाँ की, न्यूजीलैंड की। बैक लंगस्टन राइट ही बैटर, राइट आर्म मीडियम। लिंस स्मिथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। रेचल हॉपकिंस राइट ही बैटर है, कैटी लेविक लेग स्पिनर है, हेमा मॉरलो ऑफ स्पिनर है, रेचल स्लेटर राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। इस मैच में क्या हो सकता है, कैथरीन ब्रेंट और नेट सीवर आ सकती है। अगर नेट सीवर खेलती है ना तो पक्का वन डाउन या टू डाउन खेलने वाली है वो। ये प्रैक्टिस मैच स्टैट्स हैं, आप देख सकते हो नॉर्दर्न डायमंड्स ने कैसा क्या करा था। हॉली एर्मिटेज बहुत अच्छे फॉर्म में थी, बैस रहत अच्छे फॉर्म में थी, एक लाइन अच्छे फॉर्म में थी, देखो 60 की नॉक थी, फिर 12 रन बनाए 8 गेंदों में, तो अच्छा खेलती। लैगन कैस्ब्रिग भी बहुत अच्छी प्लेयर है। चलते हैं थंडर की तरफ। अगर आपको थंडर के प्रैक्टिस मैच का स्टैट देखना है तो आप क्या कर सकते हो, फिर से जाना आपको उसी वेबसाइट, यहाँ पे जाके आपको फिर से रिजल्ट्स में आना है। रिजल्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वुमेंस फ्रेंडली वार्म अप मैच में क्लिक कर देना है, आपका फिल्टर हो जाएगा और आपको सारे यहाँ पे थंडर के प्रैक्टिस मैच स्टैट्स मिल जाएंगे। आपको दिखाता हूँ दोस्तों जस्ट अ मिनट, ये सब वेस्टर्न के हैं आई थिंक। थंडर ने दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस मैच कम ही खेले थे, फिर आपको यहाँ पे मिलेंगे वो इसके अंदर रीजनल अकेडमी फ्रेंडली मैचेस के अंदर। इसमें भी दोस्तों नहीं है, एक दो ही प्रैक्टिस मैच खेले थे ये वाले जो इस वैनी के प्रवृत्तिशाल के ऊपर, ये देखो, और ये प्लेयर्स रेगुलर खेलते भी नहीं है। तो इस टीम ने प्रैक्टिस मैच लगभग ना के बराबर खेला थंडर ने। T20 स्टैट्स की बात करते हैं, थंडर दोस्तों T20 के अंदर कैसा क्या खेलती है। हिमा लैम ने 49 मैच खेले हैं T20 के अंदर, 802 रन है, 37 विकेट हैं। बैट फर्स्ट T20 के रेट में 22 की औसत है, चेस के ऊपर 18 की औसत है। इन्होंने हेड टू हेड मैच भी खेला है ये दोनों टीम्स ने। हेड टू हेड के अंदर हिमा लैम का 58 था बैट फर्स्ट और 4 विकेट हॉल था, भाई साहब सोचो कितने पॉइंट दिए रहेंगे, 200 के ऊपर तो आराम से पॉइंट दिए रहेंगे। जॉर्जिया बॉयस 33 मैच 15 की औसत है, 433 रन है T20 करियर के अंदर, इतना बड़ा नाम नहीं है T20 में। बैट फर्स्ट 12 चीज़ के ऊपर 29 की औसत है, हाईली रेपुटेटेड प्लेयर है ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। बस ODD के अंदर बहुत रन बनाती है, T20 में थोड़ा नाम छोटा है। हेड टू हेड 12-0 बैट फर्स्ट। टेनेल कॉलिंस 5 मैच 27 रन है T20 करियर में, हेड टू हेड के अंदर 16 रन और 0 रन है। एलिया थ्रिकेल्ड 50 मैच 484 रन T20 करियर में, बैट फर्स्ट 17 चीज के ऊपर 10 की औसत है। हेड टू हेड के अंदर 2 मैच में 14 रन है। साची पाई की बात करते हैं T20 में 12 मैच में 64 रन है। कैट क्रॉस का 86 मैच में 326 रन, 65 विकेट है। हेड टू हेड के अंदर 0 विकेट है, बॉल सेकंड। लॉरा जैक्सन का 10 मैच में 5 विकेट है T20 करियर में, हेड टू हेड के अंदर 2 मैच में 0 विकेट है। फॉबी ग्राम का 8 मैच में 4 विकेट है T20 में। सोफे टर्नर का 4 मैच में 8 रन 1 विकेट है T20 करियर में, हेड टू हेड के अंदर 2 मैच में 1 विकेट है। हेनन जोन्स 12 मैच यहाँ पे 5 विकेट है, 55 रन विद द बैट है। हेड टू हेड के अंदर 1-1 विकेट है, बॉल सेकंड। एलेक्स हार्टली का T20 में 62 मैच 57 विकेट है, बॉल फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डेथ ओवर में गोल डालती हैं। हेड टू हेड के अंदर 2 मैचों में 0 विकेट्स हैं। नैटली ब्राउन ये भी अच्छी प्लेयर है, स्टैट्स आप देख सकते हो हेड टू हेड के, 25 रन 1 विकेट है। स्टार्टिंग ओवर कैट क्रॉस, फॉबी ग्राम, एलेक्स हार्टली, डेथ ओवर के अंदर कैट क्रॉस, एलेक्स हार्टली, हेनन जोन्स, लॉरा जैक्सन। नॉर्दर्न डायमंड्स की बात करते हैं, लॉरेन विनफील्ड 122 मैच के लिए T20 में 21 की औसत है, 1900 रन, बैट फर्स्ट 23, चेस के ऊपर 17 की औसत है। मैंने आपको पहले भी बताया स्टैट्स, मैं रिपीट नहीं करूंगा। हेड टू हेड के अंदर 5 है चेस करते हुए, हॉली एमटेज का हेड टू हेड के अंदर 7 रन चेस करते हुए 20 चेस करता हुआ है। बैस एथ का 58 नॉट आउट था, ओपन करा था चेस करते हुए इस टीम के खिलाफ। रेचल हॉपकिंस 1 रन में चेस करते हुए। लगन कैस्ब्रिग लीजेंडरी प्लेयर, 130 मैच में 77 विकेट है T20 में, 1100 रन है, बहुत अच्छी प्लेयर है यार, 130 मैच में 177 विकेट निकालना छोटी मोटी बात होती नहीं है। कैटी लेविक बॉल फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, हेड टू हेड के अंदर 1 मैच में 1 विकेट है, फिर दूसरे मैच में भी 1 मैच में 1 विकेट है, तो कुल मिला के 2 मैचों में 2 विकेट हो गए। बैथ लैंगस्टन का 2 विकेट बॉल फर्स्ट, लिंस स्मिथ का 2 विकेट बॉल फर्स्ट, 1 विकेट बॉल फर्स्ट, रेचल स्लेटर का 2 विकेट था बॉल फर्स्ट। स्टार्टिंग ओवर रेचल स्लेटर, लिंस स्मिथ, ई मैरलो और लगन कैस्ब्रिग, डेथ ओवर के अंदर बैथ लैंगस्टन है और लिंस स्मिथ है, लगन कैस्ब्रिग है। कैटी लेविक का दिन अच्छा क्या, तो वो भी आती हैं। इस वेन्यू के ऊपर एकमात्र ODD मैच हुआ था 50 ओवर का, उसमें देखो क्या हुआ था। हिमालय ने बनाया था 17 रन 1 विकेट था, बैट फर्स्ट करी थी थंडर, जॉर्जी बॉयस का 4 था, एलिया थ्रिकेल्ड का 0 था, कैट क्रॉस का 2 विकेट था, प्लस 57 की नॉक थी। लॉरा जैक्सन का 0 विकेट था बॉल सेकंड, हेनन जोन्स का 2 विकेट बॉल सेकंड, एलेक्स हार्टली का 2 विकेट था बॉल सेकंड, नैटली ब्राउन का 1 रन था, एलेक्स जैक्सन का 6, लॉरेन मार्शल का 2 रन था, स्मॉल का 0 रन था। नॉर्दर्न डायमंड्स यहाँ पे नहीं खेली। कॉमन कैप्टन लॉरेन विलफील्ड, हिल्ड, हिमालय, बड़ी लीग्स में बनाओ
एमा लैम, लॉरेन विनफील्ड हिल्ड, लगन कैस्ट्रिक, कैट क्रॉस और अलग जाना है एबी ग्लैन, बैथ लैंगस्टन, हॉली आर्मिटेज। बात रही ड्रीम इलेवन टीम की, कैप्टन एमा लैम, वाइस कैप्टन यहाँ पे नेट सीवियर है। मेरे को लग रहा है दोस्तों नेट सीवियर इस मैच में खेल सकते हो, तो मैं एक और चेंज क्या करूँगा यहाँ पे, मैं चेंज ये करूँगा कि मैं यहाँ पे इनके बदले एनएन जोन्स को ले लूँगा और यहाँ पे सीधा मैं ले लूँगा कैथरीन ब्रेंट को। चेंज भी दोस्तों मैं कर सकता हूँ, ये भी बहुत बेहतर टीम लग रही है आप देख सकते हो। ठीक है, लगन कैस्ट्रिक, बैथ लैंगस्टन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, बड़ी लीग में करना है, घबराना नहीं है आपने सबसे पहली बात। तो अब देखो यहाँ पे लॉरेन विनफील्ड पहले ही मैच में क्या दोस्तों नॉक थी, इंग्लैंड के स्क्वाड से निकाला गया इनको कॉन्ट्रैक्ट से, आती है पहले मैच में 96 बनाए थे वहाँ पे, बेहतरीन बारी थी। जिला ट्रैकल्ड का 21 था लेकिन 21 पॉइंट्स था, लेकिन कोई ज़्यादा खास प्लेयर नहीं है, कैप्टनसी जरूर करी है इस साल। हॉली आर्मिटेज इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज बॉयज दोस्तों अच्छी पिक रह सकते हैं, कॉलिंस आपके लिए ठीक विकल्प है, अगर स्टेरा कैलिस खेलती है ना आग बंद करके पिक कर लेना इस प्लेयर को। चलते हैं एमएल एम इंपॉर्टेंट, कैट क्रॉस इंपॉर्टेंट, मारलो दोस्तों ठीक ठाक विकल्प है, अच्छी विकल्प है, ऐसा नहीं खराब बॉलिंग करी, बहुत खड़क बॉलिंग करी थी, लास्ट में विकेट विकेट डालती हैं। नेट सीवियर इंपॉर्टेंट रहेंगी, कैथरीन ब्रेंट खेलती तो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। एबी ग्लेन ग्रैंड लीग पिक है, ठीक ठाक दोस्तों का विद द बैट परफॉर्मेंस रहा अभी तक। जेनिगन खेलेंगे तो अपन इनको भी लेंगे क्योंकि ये आती हैं अपनी वेरिएशंस लेके। कैस्परिक लैंगस्टन इंपॉर्टेंट मेरे लिए, फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे ये दो प्लेयर्स, तो इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं लेंसन स्मिथ को लेना चाहता हूँ दिल से कहूँ, या फिर दोस्तों फिर मेरे को हेनन जॉन्स को फिर ड्रॉप करके इनको लेना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। हेनन जॉन्स भी दोस्तों अच्छी क्वालिटी गेंदबाज है, एक्लस्टोन शायद ना खेले, खेलते तो अपन पिक कर ही लेंगे, स्क्वाड डिक्लेयर नहीं हुआ है। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना है लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन, सबसे टॉप पे पिन कराओ मिल जाएगा। तब तक लिए देखते हैं स्टैट्स, लव यू गाइस, आप हो तो मैं हूँ, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।